ये बहुत मैडम, जिस तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं, अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ, तो क्या मानसिकता है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे हैं? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे हैं। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।